मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज साई सर विद योर इंग्लिश क्लासेस. हाउ आर यू स्टूडेंट्स? और चैप्टर इज द वाइल्ड डक इसी नेस्ट, यानी जंगली बतख का घोंसला. और इसका हमने फर्स्ट पैसेज रीड किया था. वेरी टफ लेसन है. थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा. जो प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए. Today we have start from that point we have left it last time. You can put the mark. Gently he tapped her on the side and reluctantly she went toward the brown mudded. Brown मतलब भूरा और mudded मतलब कीचड़. वो कह रहा कि gently वो जो है उसको tapped मैंने पकड़ना चाहता था साइड से, but वो जो है अनिच्छक रूप से सी वेंट टूवर्ड्स द ब्राउन मडेड, पर वो जो है वो भूरी कीचड़ की तरफ जो रास्ता जा रहा था उधर जा रही थी. डेट लीड आउट ऑफ द वैली, जो उस घाटी की तरफ जा रहा था. द बॉय वॉज अबाउट टू थ्रो ए फाइनल स्टोन इन टू द लेक, और उस लड़के ने अपना लास्ट एक पत्थर उठाकर उस लेक में थ्रो किया. फाइनल इन टू द लेक व्हेन ए बर्ड फ्लो लो ओवर हिज हेड, तो एक पक्षी वहाँ से उड़ा अपनी गर्दन को नीचे करते हुए. इट्स नेक्स्ट ट्रेन एंड इट्स ऑरेंज कलर्ड लेग क्लियर इन द सॉफ्ट लाइट. वो पक्षी उड़ा अपनी तनावपूर्ण गर्दन से एंड इट्स ऑरेंज, और उसकी जो ऑरेंज कलर की टांगे थी वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी उस हल्की लाइट के अंदर. इट वॉज ए वाइल्ड डक, ये एक जंगली पतंग थी. इट सर्कल्ड द लेक टू इट्स थ्रीस कमिंग लोअर्स ईच टाइम एंड देन विद ए नर्वस फ्लैपिंग ऑफ विंग्स. उसने उस झील के दो या तीन चक्कर लगाए और हर बार वो नज़दीक आती गई, लोअर ईच टाइम हर बार, और अंत में उसने नर्वस फ्लैपिंग, फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाने अपनी विंग्स, अंत में अपनी नर्वसी में अपनी जो उसकी जो परे थी, विंग्स थी, उनको फ्लैपिंग किया यानी फड़फड़ाया. इट स्केडेड अलोंग द सरफेस, और सिकुड़ते हुए वो किनारे पर अर्च. इट्स विंग क्लोज, और उसने अपनी जो पर थी उसको बंद कर लिया. इट लिट साइलेंटली गेव ए स्लाइट शिवर एंड बिगेन पिकिंग इनडिफरेंटली एट द वाटर. उसने अपनी परे जो है स्क्योरली और उस पानी के अंदर जैसे ही उतरी तो उस पानी सिल्वर सीवर्स कप कपाते हुए, जो स्लाइटली सीवर यानी हल्की सी कप कपाते हुए, एंड बिगेन और शुरू कर दिया पैकिंग इनडिफरेंटली डेट द वाटर. पैकिंग मतलब चोंच मारना. उसने उस पानी में इनडिफरेंटली अपनी चोंच को मारना आरंभ कर दी. कॉल एम विद डिलेटेड आइज, कॉलम्स जो था वो अपनी चौड़ी आँखों से एग्रली वॉच इट मेकिंग फॉर फर्दर एंड ऑफ द लेग, उसको देख रहा था वो उत्सुकता से, और एक अगली मेकिंग फॉर फर्दर, और आगे लास्ट में एक और झील बनाने के लिए. इट मैंडर्ड, मैंडर्ड मतलब घुमाओ. इट मैंडर्ड बिटवीन टॉल ब्लोरसिस, मैंडर्ड मतलब नदी का घुमाव जो होता है, बिटवीन टॉल मतलब बड़े लंबे, बलरसिस, बलरसिस का मतलब होता है सरकंडे, जो पानी के अंदर जो सरकंडे होते हैं जिससे छान वगैरह बनती है, उनके बीच में. इट बॉडी ब्लैक एंड सॉलिड, उसकी जो बॉडी थी वो ब्लैक थी और सॉलिड थी एज स्टोन, जैसे कि पत्थर. अगेंस्ट द ग्रेइंग वाटर, उस धूसर पानी के अगेंस्ट. देन तब एज इफ इट हैड संक, तब अगर वो डूबता था, इट वॉज गॉन, वो जा चुका था. द बॉय रन stealthily along the bank, जो लड़का था वो भाग रहा था stealthily. stealthily का मतलब होता है छिप छिप कर, छिपके हुए उस किनारे के साथ, along the bank, उस bank के किनारे, उस मतलब उस नदी के किनारे के साथ साथ भाग रहा था. looking away from the lake, आगे उस झील की तरफ देखते हुए, pretendingly indifference, थोड़ा ढोंग करते हुए अलग से. when he came opposite to where, जब वो उसके बिल्कुल अपोजिट पहुंच गया, जहां पर
ही हैड लास्ट सीन द बर्ड, जहाँ उसने लास्ट में उस पक्षी को देखा था। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया, वो रुका एंड पीर्ड, और झांका, पीर्ड पीर्ड मतलब झांकना, झांका थ्रू द सिंगिंग रीड्स हूज शैडोज, रीड्स का मतलब होता है जहाँ पानी में एक पेड़ उगता है उसको बैंत बोलते हैं, ईख बोल देते हैं इस तरह का, हूज शैडोज जिसकी परछाई स्ट्रिकिंग द वाटर इन माजा ऑफ ब्लैक स्ट्रोक, यानी ब्लैक स्ट्रोक के साथ उसमें उस पानी के अंदर धारियाँ पड़ रही थी, उससे उसकी जो परछाई थी वो पानी के अंदर धारियाँ सी दिख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके बिल्कुल जस्ट सामने वाज ए सॉडी आइसलैंड, उसके बिल्कुल सामने एक सॉडी आइसलैंड था, गार्डेड बाय द स्पीयर्स ऑफ सेज एंड स्प्रिटेड फ्रॉम द बैंक बाय नैरो कैनल्स ऑफ नैरो चैनल ऑफ वाटर, एक पतली नाली जो उसको अलग कर रही थी, उस लेक से उसको अलग कर रही थी। द वाटर वॉज नॉट टू डीप, वहाँ पर जो पानी था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। ही कुड बैड एक्रॉस विद केयर, तो उसमें वो देखभाल के दौरान उतर, उसमें उस देखभाल के दौरान उसमें उतरा जा सकता था, वेड मतलब देखभाल कर उतरना, तो उतरा जा सकता था। तो ये पैसेज यहाँ सेकंड ख़त्म हो रहा है बेटा, नेक्स्ट पैसेज हम इसका नेक्स्ट क्लास में स्टूड रहेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।